बड़ी खबर भोपाल से आ रही है, जहां विधानसभा के मॉनसून सत्र का दूसरा दिन है। जानकारी मिल रही है कि हंगामेदार रहेगा ये दूसरा दिन। कांग्रेस जहां अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग करेगी, तो वहीं नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह के पत्र के बाद विधानसभा अध्यक्ष ने निरस्त किया है विधायकों का फोटो सेशन। तो बड़ी खबर भोपाल से, जहां विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। आशंका जताई जा रही है कि ये दूसरा दिन हंगामेदार रहेगा। विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगी, साथ ही विपक्ष अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा कराने की मांग भी रखेगी। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता वैभव गुप्ता जुड़ चुके हैं। जी वैभव, विधानसभा के मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है, क्या कुछ जानकारी? हाँ, दूसरा दिन है, जैसे कि जानकारी मिल रही, कल के बाद आज का दिन भी हंगामेदार रहेगा, क्योंकि कल जो अविश्वास प्रस्ताव की बात कांग्रेस ने की थी, इस पर विधानसभा अध्यक्ष ने कहा था कि इसका परीक्षण कराकर ही इस पर चर्चा कराने की बात की जाएगी। चूंकि ये 5 दिन का सत्र है, इसमें कब चर्चा हुई, कब इसको ग्रहा करेंगे और कब पूरा, तो आज हंगामेदार रहेगा, क्योंकि अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से कांग्रेस का कहना है कि हम अपनी बात रखना चाहते हैं, हमारे पास मुद्दे हैं, तथ्य हैं, हम तथ्यों के आधार पर अविश्वास प्रस्ताव लेके आए। ऐसे में बीजेपी जो है, सत्ता पक्ष जो है, वो चर्चा से भागना चाहता है और इसी चलते वो लगातार हंगामे कर रहा है, और जो मतलब की बात नहीं होती, जो मुद्दे जिस पर बात नहीं होनी चाहिए, उन मुद्दों को सदन में लेके आता है। अजय सिंह का जो पारिवारिक विवाद है, उसको भी सदन में लेके आ रहा है सत्ता पक्ष का, उसका सदन से कोई लेना देना नहीं है। जी वैभव, लेकिन देखा जाए दोनों पार्टी एक दूसरे पर आरोप लगा रही है, लेकिन कहीं ना कहीं जनहित से जुड़े मुद्दे उठ नहीं रहे हैं। बिल्कुल, जनहित के मुद्दे तो शायद सत्ता पक्ष और विपक्ष भूल ही गया है। अब वो पारिवारिक मामला अजय सिंह का, उस पर बीजेपी की बात करते हैं, भाई जो कांग्रेस है वो अविश्वास प्रस्ताव पर बात करती है, जनहित से जुड़े हुए मुद्दों की वो कोई बात ही नहीं करना चाहता है, जबकि जनता के पैसे से सदन चलता है और जो लाखों रुपए हर एक घंटे की कार्रवाई पर खर्च होते हैं, ऐसे में जनप्रतिनिधि को समझना होगा कि ये जनता की गाड़ी कमाई है, जनता के टैक्स के बाद सदन चलता है, तो जनहित से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा होनी चाहिए, ना कि पारिवारिक विवादों को लेकर। जी वैभव, इस खबर पर आप नजर बनाए रखिएगा, हम आपसे अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।